अयोध्या में राम मंदिर इस वक्त देश का मूड बन चुका है। प्राण प्रतिष्ठा के लिए पूरा माहौल है। दक्षिण के दौरे के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये बता दिया है कि राम की मोहब्बत में कश्मीर से कन्याकुमारी सब एक है। अयोध्या तो इस वक्त राम के रंग में रंगी ही हुई है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु के मंदिरों में पहुंचे और वहां से पैगाम दिया कि राम सबके हैं। इसमें उत्तर नहीं, पूरब नहीं, पश्चिम नहीं, दक्षिण नहीं, सब राम के हैं। एक तरफ अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा, दूसरी तरफ दक्षिण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिज्ञा। बाईस जनवरी से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण के सबसे अहम राज्य तमिलनाडु का दौरा किया। मोदी तमिलनाडु के श्री रंगम में श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर पहुंचे और यहां पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री ने पारंपरिक तमिल परिधान पहने। यहां धोती को वेष्टी कहा जाता है और शॉल को अंग वस्त्रम बोलते हैं। जिस श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में प्रधानमंत्री है उसे वहां भगवान विष्णु का मंदिर कहा जाता है। यहां उन्होंने हाथी को खाना खिलाया। ये यहां की पूजा अर्चना का ही एक हिस्सा है। तमिल में ईश्वर देव को रंगनाथर के नाम से जाना जाता है। श्री रंगम मंदिर तमिलनाडु का एक प्राचीन वैष्णव मंदिर है। कहा जाता है कि यह संगम युग का है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री के तमिलनाडु दौरे के कई मायने हैं। प्रधानमंत्री ने इसके लिए रामेश्वरम में रोड शो भी किया। अपने बुलेट प्रूफ गाड़ी के पायदान पर खड़े होकर प्रधानमंत्री लोगों से मुखातिब हुए। इसके बाद रामेश्वरम में प्रधानमंत्री ने समुद्र में डुबकी लगाई। प्रधानमंत्री मोदी की ये तस्वीरें बहुत स्पेशल हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने रामनाथ स्वामी मंदिर में 22 कुंडों के जल से स्नान किया। इससे पहले जब प्रधानमंत्री महाराष्ट्र के नासिक गए थे तब भी वहां 1.5 किलोमीटर का रोड शो किया। जब नरेंद्र मोदी केरल गए तब भी वहां कोची में रोड शो किया और तमिलनाडु दौरे पर भी प्रधानमंत्री ने रामेश्वरम में रोड शो किया। हर तरफ मोदी मोदी की गूंज, मोदी जिंदाबाद के नारे लगते रहे। इस वक्त प्रधानमंत्री अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले 11 दिन का अनुष्ठान कर रहे हैं। इस दौरान मंदिरों के दौरे और विशेष पूजा अर्चना अनुष्ठान का ही हिस्सा है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल और अब तमिलनाडु के मंदिरों का दौरा कर चुके हैं। यानी दक्षिण पर प्रधानमंत्री का पूरा फोकस है और ऐसा करना उन्होंने अयोध्या में मंदिर के उद्घाटन से पहले चुना है। मोदी ने अनुष्ठान की शुरुआत महाराष्ट्र के नासिक से की। 12 जनवरी को प्रधानमंत्री दिल्ली से नासिक गए और वहां के काला राम मंदिर में पूजा अर्चना की। नासिक में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए तो वहां काला राम मंदिर में पहुंचकर साफ सफाई का संदेश दिया। उन्होंने मंदिर में पोछा लगाया। प्रधानमंत्री का ये वीडियो बहुत वायरल हुआ। कहा जाता है कि प्रभु राम की जिंदगी में नासिक बहुत अहम माना जाता है, उसकी काफी अहमियत रही है। ऐसा क्यों, आप समझिए। अनुष्ठान के लिए ही पीएम मोदी ने नासिक के श्री कालाराम मंदिर में पूजा की। वो गोदावरी के तट पर पंचवटी भी गए, भगवान राम के अयोध्या आगमन का प्रसंग भी सुना। और खास बात यह थी कि यह रामायण का प्रसंग मराठी भाषा में था। 16 जनवरी को प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश के लिपाक्षी के वीरभद्र मंदिर गए। यह मंदिर 486 वर्ष पुराना है। लिपाक्षी आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में एक छोटा सा कस्बा है और यहीं पर वीरभद्र मंदिर है। प्रधानमंत्री ने यहां पूजा अर्चना की। मंदिर में बैठकर नरेंद्र मोदी राम भजन करते रहे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के गुरुवायूर मंदिर में पूजा की।
अब 20 जनवरी को तमिलनाडु पहुंचे और श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में पूजा की। श्री रंगम में ये मंदिर कावेरी और कोल्लीदम नदियों के संगम पर एक द्वीप पर बना हुआ है। इस मंदिर को बनाने में चोल, पांड्या, होयसाल और विजयनगर साम्राज्य के राजाओं का योगदान रहा है। इस मंदिर को बोलोगा वैकुंठम या कहीं की पृथ्वी पर वैकुंठ के नाम से जाना जाता है। इसके बाद प्रधानमंत्री रामेश्वरम के अरुलमगु रामनाथ स्वामी मंदिर भी गए। ये वो कनेक्शन है जिससे सीधे दक्षिण को उत्तर से जोड़ने की कोशिश हो रही है। सिया राम सन्मुख रहो। मंदिरों का दौरा उस प्रक्रिया का हिस्सा है जिसे नरेंद्र मोदी ने 11 दिनों के अनुष्ठान के रूप में चुना। राम चालीसा लिखाइए। नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे और इससे पहले वो 11 दिन का अनुष्ठान कर रहे हैं। इसे आप मोदी की प्रतिज्ञा कह सकते हैं, इसे आप मोदी का प्रण कह सकते हैं, इसे आप मोदी की कसम कह सकते हैं, उनका वचन कह सकते हैं, इसे आप मोदी की शपथ और उनकी सौगंध कह सकते हैं। पीएम मोदी ने 12 जनवरी को एक ट्वीट में कहा था कि वो 11 दिन के विशेष अनुष्ठान की शुरुआत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये उनकी तरफ से एक कोशिश है जिसमें वो भारत के सभी लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अनुष्ठान के मुताबिक प्रधानमंत्री तख्त पर सिर्फ कंबल बिछाकर सोएंगे। इसे यम नियम कहा जाता है। यम नियम का मतलब बहुत ही व्यापक है। यम का मतलब होता है संयम और नियम का अर्थ है अनुशासन, जो अष्टांग योग का अंग है। योग का मूल लक्ष्य है समाधि में जाना यानी ब्रह्म में समाना। ध्यान का मतलब है देखना यानी ब्रह्म में मन लगाना और ब्रह्म का चिंतन करना। और दूसरा इसका भाग है भजन यानी ईश्वर को भजना। वैसे अष्टांग योग के 8 भाग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, भजन और समाधि। इन सभी का मतलब है कि अपने आप को जगत से हटाकर प्रभु की ओर मन लगाना है। यह दिन नरेंद्र मोदी के लिए बहुत खास है। इस दौरान सिर्फ फल खाए जाते हैं। इस दौरान खाने में हल्दी, सरसों, उड़द, मूली, बैंगन, लहसुन, प्याज, तेल से बना खाना नहीं खाया जाता। चावल, राई, भुजिया और गुड़ भी खाना मना है। नरेंद्र मोदी जिन जिन मंदिरों में जा रहे हैं उनकी भी अलग अलग खासियत है। कुछ पौराणिक है, कुछ वहां की वास्तु से जुड़ी बातें हैं, लेकिन इस वक्त सबका ध्यान अयोध्या पर है। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का काम जोरों शोरों से चल रहा है। एक तरफ पूरा अयोध्या बिजी है, उत्तर प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है। सुरक्षा से लेकर मंदिर के आसपास पूरी व्यवस्था की जा रही है और ये काम दिन रात किया जा रहा है। जब से राम मंदिर को बनाने का काम शुरू हुआ है, इस वक्त उसे लेकर सबसे ज्यादा जरूरी पल है और यहाँ किसी भी कमी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। किसी भी आर्किटेक्ट के लिए उसका क्रिएशन जो है वो रियलिटी बन जाता है, तो उसके लिए सबसे बड़ी बात होती है। और जब अप्रिशिएट होता है तो उससे भी बड़ी बात होती है। आपने अभी तक तो उसको पेंसिल से या कैसे बनाया होगा, आज अभी अंदर से ही आ रहे हैं, देख कर आ रहे हैं। मैं तो आपकी आंखें भी गीली देख रही हूँ। भाव आ रहा है कि मैं इतना सुंदर मैंने बना दिया राम का मंदिर। देखिये, यही बोल रहा था कि सर जैसे स्वामी जी आए, उन्होंने अप्रिशिएट किया, तो यही हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है। मैं देख रही थी कि वो बड़ा आपको प्रेम दुलार दे रहे थे। आंखें क्यों नम नजर आ रही है मुझे? डेफिनेटली आशीर्वाद, इतने बड़े लोगों के आशीर्वाद मिलता है, ऑब्वियसली नम हो जाएंगी आंखें कि अपना आपके काम को अप्रिशिएट किया जा रहा है। हम राम जी के, राम जी हमारे हैं, हम नरेंद्र मोदी का कहना है कि वो भारत के 135 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा में यजमान के तौर पर शामिल हो रहे हैं। 22 जनवरी तक मोदी की प्रतिज्ञा और सख्त होने वाली है, उनका प्राण और मजबूत होने वाला है। सबको इंतजार अब 22 जनवरी का है।